जड़ी बूटी जीवन को देती हैं और जीवन को चाहते हों तो यदि अन्न को भी औषधि के रूप में प्रयोग करके हम नवजीवन को, रोग मुक्त जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम इस पौधे के संदर्भ में बताने जा रहे हैं, यह लता, यह क्षुप मेरे साथ में है, आप देख पा रहे होंगे, ये इसको बोलते हैं हम लोग वाइटिस वाइनिफेरा, यानी आपका प्यारा यह अंगूर, इसको कौन नहीं जानता। फलों में सुमधुर मीठे अंगूर, निर्दोष अंगूर, जिनको दूसरे फल अनुकूल नहीं पड़ते, फिर उन्हें अंगूर भला क्यों ना अनुकूल पड़ते। तो सबके लिए गुणकारी, अनुकूल, लाभकारी यह फल है अंगूर। पर यहाँ तो कुछ ये अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं स्वाद में। पर हम जिस अंगूर के विषय में बताने जा रहे हैं वह मीठा होगा, क्योंकि यह तो अभी कच्चे हैं। कच्चे फल यह अहितकारी होते हैं। अंगूर खट्टे अप्राप्त हैं इसलिए नहीं, प्राप्त तो है पर यह अपक्व हैं इसलिए, किसी भी तरह के मूर्छा को तोड़ने के लिए, शरीर में जलीय अंश की कमी हो गई हो, बहुत कमजोरी हो, उस समय पर आप यदि कितनी भी थकान हो, उस समय यदि उसको इस अंगूर के रस को पिला देते हैं तो वह व्यक्ति निश्चित नई ताजगी, स्फूर्ति और नई चेतना की अनुभूति करेगा। उससे थका हुआ यह तन स्फूर्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। यह अंगूर तुरंत कैलोरी को देने वाला, शक्ति को बढ़ाने वाला और शरीर की क्षीणता को, जो खत्म हुई जो कैलोरी है उसको पूर्ण करने वाला है। और इस अंगूर को, जो सूखा हुआ जो अंगूर है उसको हम द्राक्ष के रूप में मुनक्का या किशमिश के नाम से जानते हैं। 2-3 ग्राम आंवला, 4-5 ग्राम मुनक्का, 200 ग्राम पानी में उबाल करके जब 100 ग्राम बचे अच्छी तरह से उसको पिसल करके छान लें, छान करके उसमें थोड़ी मिश्री मिला लें, फिर आप इसको हल्का सा सौंठ डाल करके प्रातः सायं सेवन करें तो देखेंगे जो बार बार आने वाली बेहोशी, मूर्छा और उससे द्वारा होने वाली कमजोरी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। सिर्फ मुनक्का और आंवला इसका आप प्रयोग करके अपने मूर्छाजन्य भयानक बीमारी से भी लाभ पा सकते हैं। 25 ग्राम मुनक्का को थोड़ा सा मिश्री मिला करके और उसमें थोड़ा सा खस और अनार की छाल, खस, अनार की छाल, मुनक्का और उसमें थोड़ी मात्रा में मिला लें मिश्री, इसको भी उबाल करके काढ़े की तरह से प्रातः सायं सेवन करने से आपको मिलेगी नई स्फूर्ति, नई चेतना, नई ताजगी और इससे होगी आपकी कमजोरी से मुक्ति। यदि जामुन के पत्ते 10-15 आप जामुन के पत्ते ले लीजिए, उसको कुचल करके उसमें आप डाल दें 10-15 मुनक्का, उसको डाल करके उसमें अच्छी तरह पकाएं, पका करके फिर उसको हाथ से अच्छी तरह मसल करके, छान करके यदि आप कुल्ला करें, अच्छी तरह से मुंह में उसको पानी को घुमाते रहें तो आप पाएंगे मुंह के छाले से मुख्य रोगों से मुक्ति। नक्सिर में भी यदि मुनक्का को रात को भिगो करके प्रातःकाल 4-5 मुनक्का प्रतिदिन सेवन करें तो इससे मिलती है आपको नक्सिर जैसी भयानक रोग से मुक्ति। यदि किसी को हो बहुत कमजोरी, शरीर में शिथिलता, तो आप भिगो दें 40-50 मुनक्के को और 8-10 बादाम को भिगो दें। 8-10 बादाम को सुबह छिलका उतार करके और उस मुनक्के के बीज को हटा करके उसको या तो पीस करके अच्छी तरह से चटनी बना करके दूध से ले लें, अन्यथा
उसको चबा चबा करके अच्छी तरह से आप खाएं तो आप पाएंगे शारीरिक कमजोरी है उससे हमेशा के लिए मुक्ति, और यह बहुत ताकतवर और बहुत पौष्टिक है। जो कमज़ोर लोग हैं उनको यदि मुनक्का और बादाम का सेवन करें तो किसी भी तरह की किसी भी टॉनिक की सेवन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मुनक्का और बादाम को मिला करके उसको सुबह प्रतिदिन सेवन करते हैं तो हर तरह की कमजोरी से, शिथिलता से, बीमारी से हमेशा के लिए मिल जाएगी आपको मुक्ति। इसके अतिरिक्त श्वास और कास में यदि तुलसी का पत्ता, काले मिर्च, सौंठ, लौंग, 4-6 मुनक्का को डाल दें और उबाल करके पिएं तो आप देखेंगे इससे मुक्ति होगी। श्वास और कास से बहुत जल्दी आपको उससे इसमें लाभ होगा, और खांसी और कफ के काढ़े में मुनक्का मिला देने से उससे उसकी शक्ति बढ़ जाएगी, बीमारी से होने वाली कमजोरी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि यह गुणवाह है, गुणवर्धक है, बहुत ही अच्छी औषधि है यह मुनक्का। इसके अलावा आप जिनको खांसी बार बार होती है उनके लिए मुनक्के में से आप थोड़े से बीज निकाल लें और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा उसमें मिला लें पिपली को मिला करके, थोड़ा मिश्री मिला करके, यदि आप उसको पीस करके छोटी छोटी गोली बना करके रखते हैं चने के जितना, और यदि आप उसको चूसते रहते हैं तो उससे मिल जाएगी आपको खांसी से मुक्ति। इससे बैठा हुआ गला भी ठीक हो जाएगा, खांसी भी ठीक हो जाएगी। यह बहुत ही एक दिव्य और उत्तम औषध है। जिनको भूख कम लगती है उसके लिए भी यह मुनक्का बहुत ही दिव्य औषधि है। जिनको भूख कम लगती हो वह दूध में मुनक्का उबाल करके नियमित रूप से पिए तो भूख बढ़ने लगेगी, और जिनको कब्ज रहता हो उस कब्ज में भी आप यदि 30-40 मुनक्का रात को दूध में डाल के उबाल करके पिए इससे कमजोरी भी दूर होगी, भूख भी बढ़ेगी, पेट भी साफ होगा। जिनको ज़्यादा कब्ज है उसमें थोड़ा इसबगुल की भूसी मिला करके भी ले सकते हैं। हालांकि आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी औषधियाँ पेट साफ करने के लिए, त्रिफला है, पंचसकार है, या आजकल बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, परंतु यह एक बहुत ही गुणकारी लाभकारी एक प्रयोग है दूध में उबाल करके मुनक्का को पीना। और जिनको बार बार घबराहट होती है और हृदय में दर्द होता हो उनके लिए भी रामबाण है मुनक्का। आप मुनक्का 8-10 मुनक्का पानी में डालें, 2 लौंग डालें, लौंग और मुनक्का को उबाल करके बाद में मुनक्का को मसल करके छान कर चाय की तरह से आप पिए, आप देखेंगे जिनको एंजाइना पेन है, हार्ट की कमजोरी है, मेरे भाई सिर्फ मुनक्का और लौंग से आप उस समस्या से मुक्त हो सकते हैं। आप प्रयोग करिए, यह बहुत निरापद है। जो डायबिटिक के पेशेंट हैं 2-4 मुनक्का डालें और 1-2 लौंग डालें थोड़ा ज़्यादा पानी पर, फिर उसके बाद में आप पी सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मीठी वह नहीं होगी, वो आपकी जो पेय है ज़्यादा मिठास उसमें नहीं होगा, तो ज़्यादा आपको नुकसान भी उससे किसी तरह से मधुमेह में भी नहीं होगा।